हाव भाव से अपने आप को इतना प्रेजेंट ना कर पाएं, लेकिन हमारे की जो पैरों की तत्कार है ना वो बता देती है कि हाँ अब हम जमीन फाड़ने को तैयार हैं, क्योंकि आप लोग जो है हमें ऊपर नहीं उठने दे। हाय एवरीवन, मैं हूँ आंचल और आप लोग देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन न्यूज़। कला और हुनर जब भगवान एक इंसान को देते हैं तो इंसान उस कला का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करता है, और जो लोग नहीं करते हैं अपनी कला का इस्तेमाल, जो लोग नहीं पहचानते हैं कि उनके अंदर भगवान ने किस किस्म का हुनर जो है वो डाला होता है, उनको भी हम कहना चाहेंगे कि वो भी अपने हुनर को, अपनी कला को पहचाने और उसको सही जगह इस्तेमाल करें। और ऐसे ही कलाकार हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, नृत्य श्री दीपक दत्ता, जो कि पीर पंचाल के पहाड़ों से, खूबसूरत पहाड़ों से जो हैं आए हैं, और फिलहाल हमसे बात करेंगे। हम पीर पंचाल तो नहीं पहुंचे हैं, जम्मू में ही हैं, तो इनसे जम्मू में ही बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दीपक जी। नमस्कार, नमस्कार। ये जो नाम है नृत्य श्री, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, किसने दिया आपको इतना डिफरेंट टाइटल? सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे मौका दिया सबसे रूबरू होने का। मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि दीपक दत्ता से नृत्यश्री दीपक दत्ता बनने की जर्नी इतनी आसान नहीं थी। छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, बाद में सिटी में आके सेटल हुए तो मेरी मासी जी सितार बड़ा अच्छा बजाते थे, तो उनको देख देख के थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला। आई कीप ऑन मोटिवेटिंग माई सेल्फ कि हाँ अच्छा कुछ करते हैं। फिर स्कूल कॉलेजेस में नुक्कड़ नाटक, फिर रामलीला में आहिस्ता आहिस्ता इस शौक को एक अपना हॉबी बनाना शुरू किया। बाद में इसमें बिल्कुल गूढ़ता आ गई, और जब कॉलेज में था, जीजीएम साइंस कॉलेज में, तो मुझे हिमालयन कल्चरल फेस्टिवल जो रे कांगड़ा में होता है वहाँ जाने का मौका मिला, और बताना चाहूँगा कि उस दौरान मैं फ़र्स्ट आया था, मेरी फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही मैं फ़र्स्ट आ गया था वहाँ पे। तो उसके बाद वो फेस्टिवल इंटरनेशनल हिमालयन कल्चरल फेस्टिवल बन गया। यानी तो ये जो टाइटल है नृत्य श्री का टाइटल जो है, ये आपकी मासी जी ने आपको दिया? नहीं नहीं, एक्चुअली उन्होंने तो सिर्फ एक बीज डाला था कि हाँ ये परफॉर्म कर सकता है। तो इंटरनेशनल हिमालयन कल्चरल फेस्टिवल में लगातार 6 साल मैं वहाँ पर फर्स्ट आया हूँ इन द ओपन चैलेंज कैटेगरी। लास्ट जब मैंने परफॉर्म किया तो उन्होंने कहा कि बस अब नहीं, तो जो हमारे मेन थे वहाँ के जो कुलपति थे उन्होंने टाइटल दिया कि आज से इनका नाम नृत्यश्री होगा, बिकॉज अब ये 6 बार जीत चुके हैं तो दोबारा कंपटीशन में नहीं आ सकते, तो इनको हम इस टाइटल से नवाजते हैं। फिर तब उसके बाद मेरे नाम के साथ दीपक दत्ता की जगह नृत्यश्री दीपक दत्ता लग गया। दीपक जी, कब से आप जो है, जो ये कला है, जो डांस है आपके अंदर, जो भगवान ने भरपूर तरीके से जो है आपके अंदर डाला है, किस उम्र से जो है लगभग आप डांस कर रहा आपने शुरू किया? मेरे केस में कोई मुझसे ये पूछे कि तुमने सांस लेना कब से शुरू किया तो ये तो वही बात हो जाएगी, बट फिर भी नियर अबाउट 17 साल मेरे को हो गए हैं इसमें करते। जब मैं आई थिंक नियर अबाउट 11th में था, 10th 11th में था तब। यानी कैलकुलेशन के हिसाब से पीछे अगर हम लोग 17 साल जाएं तो 17 साल पहले इन्होंने जो है वो डांस करना स्टार्ट किया था, और आज भी लगभग जो है वो डांस को आगे आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं। दीपक जी, कौन सी डांस फॉर्म जो है आप, कौन सी डांस फॉर्म को जो है आगे लाते हैं, कौन सी डांस फॉर्म में आप नृत्य करते हैं? कथक और भरतनाट्यम मेरा बेसिक फोर्टे है, लेकिन उसके साथ साथ फोक। एरियल और कंटेम्प्रेरी। ओ माई गॉड, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। भरतनाट्यम एंड कथक, ये एक बहुत ही मुश्किल डांस फॉर्म है आई गेस। और ठीक है, भरतनाट्यम आप जब करते थे, एक सवाल मेरा आपसे है यहाँ पर कि कभी ऐसा हुआ है कि कभी आप कहीं डांस परफॉर्म करने के लिए गए हैं, वहाँ पर आपको किसी ने कहा हो कि यार ये कौन सी डांस फॉर्म आपने यूज़ कर ली? भरतनाट्यम एंड कथक लड़कियों का एक फॉर्म है, ज़्यादातर लड़कियाँ इसमें डांस करती हैं, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ब्रेक डांस में ज़्यादा जाना चाहिए था और हिप हॉप ट्राई करना चाहिए था? थैंक्स फॉर आस्किंग सच अ यू नो नाइस क्वेश्चन। मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि हमारा ये जो पिट्राकियल जो वर्ल्ड है ना, हमारा पिंक और ब्लू बॉक्सेस में है, कि मेल कम्युनिटी के लिए ब्लू बॉक्स एंड फीमेल के लिए पिंक, एज यू आर इन द पिंक मास राइट नाउ। तो ये एक ऐसा था जो आउट ऑफ द बॉक्स था। नो, माय पिंक मास्क इज लाइक कि मुझे मास्क मिला नहीं, कोई भी लगाना इंपॉर्टेंट था, दैट्स व्हाई मैंने पिंक मास्क लगा लिया। सो ये एक एज अ मेरे लिए चैलेंज था और लोगों के लिए टैबू था।
कि जब मेल एक परफॉर्मर हो के फीमेल अटायर पे स्टेज पे जाना दो इतनी भी कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं थी, बिकॉज 70s लेट 60s में जब ये मुगले आज़म आई है तो उस समय भी पंडित गोभी महाराज जी ने फ्रॉक पहन के उसमें वो परफॉर्म किया था, उस समय तो बहुत हाईली अक्लेम्ड वो परफॉर्मेंसेस थी। लेकिन हाँ, सोसाइटी को इस समय वो चीज़ें एक्सेप्ट करने में, अडॉप्ट करने में तो नहीं बोलूँगा लेकिन एक्सेप्ट करने में मुश्किल बहुत आई, मैं बहुत इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था। बट जैसे जैसे टाइम बीता गया तो विद द हेल्प ऑफ मीडिया कर्स लाइक यू पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग एंड आई एम द ऑन द वे। कभी आपको जैसे आप डांस कर रहे हैं ना, मैंने आपसे सवाल किया कि आप डांस कर रहे हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपका जो मोटिवेशन है आपको ऐसा लगा हुआ कि यार डगमगा जाएगा, क्योंकि इस तरीके के कमेंट्स जब ऑडियंस से कहीं ना कहीं आते हैं सुनने को, तो पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स का इस मामले में क्या सपोर्ट रहा है आपको? पहली बात तो मैं बताऊँगी, क्रिटिसिज्म ऑलवेज पॉलिश माय मिरर। मेरे पापा मेरे बिल्कुल भी अगेंस्ट थे, वो हमेशा चाहते थे कि ये इंजीनियरिंग करे, कि डर के मारे की अब जैसे भी की। मम्मा मेरे फुल सपोर्ट में थे, बाद में पापा आहिस्ता आहिस्ता मोटिवेट हो गए जब न्यूज़पेपर्स में आना या चैनल्स पर आना, जो लीडिंग चैनल्स आप तरह जैसे आप हैं। तो अब जैसे आप कह रहे हैं कि लोग जब हमें डिमोरलाइज करते थे, हाँ लोग होते थे ऐसे, बट अगर मैं उनकी बात मान लेता तो शायद मैं नृत्यश्री दीपक दत्ता कभी बन ही नहीं पाता, क्योंकि उनकी जो डिमोरलाइजेशन थी ना वो मुझे उल्टा वो आग में घी डालती थी। और सच मानिए कि जितना अच्छा मैं करना चाहता था मैं उससे ज़्यादा करता था। बड़ी बार मौका ऐसा भी आया कि जो सॉन्ग ट्रैक में लेके जाता था गुस्से में आके वो छोड़ के मैं कोई और कर लेता था। टफ वाला करते थे कि इजी वाला? एग्जैक्टली, आई ऑलवेज कीप ऑन परफॉर्मिंग द टफ परफॉर्मेंसेज। बहुत सी परफॉर्मेंसेज ऐसी हुई हैं जो मैंने गुस्से में की हैं, और सच मानिए कि बाद में जो लोग उस वक्त क्रिटिसाइज करते थे वही मेरे पास आके बाद में मुझे सिर पे हाथ रख के गए। अच्छा, जब आप ये गुस्से वाली परफॉर्मेंस कर रहे थे, जजेस का जो होता था कि जजेस का क्या रिएक्शन होता था आपकी गुस्से वाली, क्योंकि जज ऑलमोस्ट पहचान जाते हैं कि जो डांस कर रहे होते हैं, जो कंटेस्टेंट होते हैं वो ज़्यादा उनको ज़्यादा होता है, तो वो उनका क्या रिएक्शन रहता था? क्या वो भी बोलते थे कि भैया दीपक जी आप तो गुस्से में आए हो, आज क्या हो गया आपको, घर से लड़ाई करके आए हो? वेल, मैं आपको एक बात बताऊँ कि कथक और भरतनाट्यम में एक मेन चीज़ होती है नवरसा। नवरस में जो हमारे 9 इमोशंस जो हमारी हैं, हमारे शारीरिक संरचना के हैं, वही यूज़ किए जाते हैं। और जब मैं वो चीज़ें वहाँ पर प्रॉपरली उनको यूज़ करता था ना, हाँ कहीं ना कहीं उनको ये तो ज़रूर लगता था, क्योंकि मेरी पैरों की तत्कार जो थी ना वो बता देती थी। हमारे हम नृत्यकों में ना एक ख़ास बात है, ख़ासकर परफॉर्मर्स में, कि हम चाहे हाव भाव से अपने आप को इतना प्रेजेंट ना कर पाएं लेकिन हमारे की जो पैरों की तत्कार है ना वो बता देती है कि हाँ अब हम ज़मीन फाड़ने को तैयार हैं, क्योंकि आप लोग जो हैं हमें ऊपर नहीं उठने दे रहे हैं। अच्छा, जब आपने पहली बार डांस, जैसे आपने कहा कि 6 बार मैंने डांस किया, तो जब पहली बार आपने किया, जैसे कि कहा कि आपके पापा जो हैं वो तो बिल्कुल अगेंस्ट है, तो पापा को पता था पहली बार आप डांस करने जा रहे हैं, पार्टिसिपेट ओपन चैलेंज में आपने पार्टिसिपेट किया, पापा को पता था? नहीं, मैं आपको ये भी बताऊं कि मम्मा ने मुझे पैसे दिए थे कि हाँ एंट्री, आपको पता है शायद 90s में यहाँ पे एंट्री सिस्टम बहुत था कि हाँ एंट्री दे के आप परफॉर्म करेंगे। तो अब पापा लोग तो होते ही हैं कि पढ़ो, ये इन कामों में कुछ नहीं है, वो तो लाइक इंजीनियरिंग बनाना, यू नो इंजीनियरिंग करवाना कोई आसान काम नहीं था, और वो भी गवर्नमेंट सीट पे। तो हाँ, मम्मा ने सपोर्ट किया। जब गया वहाँ पे तो प्राइज़ लेके भी आया, तब भी उनको बताया नहीं मैंने, दूसरे तीसरे दिन जाके बताया, कि वो भी न्यूज़पेपर में आया तो उनको पता लगा कि अच्छा तू जीत के आया वहाँ पे। तो एक दिन मैं वो ट्रॉफी साफ़ कर रहा, मम्मी कहती इसको साफ़ मत कर, अब इनकी रेशो बढ़ा कि अब अच्छा आया है तो इसको चलते रहना चाहिए। वहाँ पर बाद में एक मौका ऐसा भी आया है कि पापा खुद भी गए वहाँ पे, उन्होंने मुझे लाइव परफॉर्म करते हुए देखा। अच्छा, जब पापा को पता चला न्यूज़पेपर में आपका नाम आया, तो पापा गुस्से में घर आए उस टाइम पे, या पापा बड़े खुश हो, या दिखाने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, मिठाई का डिब्बा आया था, मिठाई का डिब्बा आया था साथ में, और सबको उन्होंने खिलाया कि हाँ अब ये ट्रैक पर चल पड़ा। और उस दौरान एक बात और भी हुई मैम, जब कॉलेज में था और जब इंजीनियरिंग मैंने, जैसे साइंस कॉलेज में था तो मेरा सीट निकल गया, जब कॉलेज में गया तो मैं लगातार 3 साल वहाँ पर JGEI जम्वाल ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 3 साल मैं वहाँ पे मिस्टर JGEI रहा हूँ कल्चरल रिफॉर्म्स में, और साथ ही साथ मैं उनके जो इवेंट्स थे उनको कोरियोग्राफ करता था। तो वो वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप, नेशनल भी नहीं, आप इंटरनेशनल आपने किया, तो उस टाइम पे क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब किस तरीके का, आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? 2 बार फॉर्म रिजेक्ट हो चुका था मेरा, कुछ थे हमारे अपने चाहने वाले जो शायद नहीं इस चीज़ को पसंद कर रहे थे, लेकिन हाँ बाद में मैंने लाइव डायरेक्टली उनसे बात की तो मेरा हो गया सिलेक्शन वहाँ पे। उसके बाद वही सिलेक्शन पैनोरमा, देन परफॉर्मेंस, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस जो ये फिल्मों में दिखाते हैं, लिटरली वो सच होता है वहाँ पे।
तो गए वहाँ पे परफॉर्म करने का, तो हम वीडियोस भेजते थे, जब लाइव की बारी आई कि हाँ यू आर सेलेक्टेड 91 कंटेस्टेंट्स जो फिनाले में थे, एंड मेरा सेंटर बना जी कन्नड़ा साहित्य परिषद बेंगलुरु में। फर्स्ट टाइम मैं फ्लाइट पे जा रहा था एंड अकेला, वो भी डरा जाके वहाँ पे, वहाँ पे पंडित बिरजू महाराज जी के मैंने छंद किए थे, मोहे रंग दोलाल फ्रॉम पद्मावती से मैंने किया था वो, एंड बाजीराव मस्तानी सॉरी मैंने वहाँ से किया था, एंड स्टिल आई एम शिवरिंग राइट नाउ देयर। तो परफॉर्म किया तो उसके बाद मैं नीचे आ गया, मैंने कहा ठीक है जो क्या कर सकते हैं हो गया। तो अभी मुझे शाम को ही दोबारा केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पे वापस आना था, उन्होंने कहा कि अब तो, मैंने कहा मेरे तो है नहीं, बिकॉज वहाँ तो प्रोफेशनल्स जो PhD कर रहे हैं, जो प्रोफेसर हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं तो कहीं हूँ ही नहीं। खैर फिर भी गीता ठाकुर वहाँ पे, गीता माँ जो हमारी हैं वो रिज़ल्ट पैनल में थी, तो जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया। पहले तो मुझे लगा कि नहीं ये शायद कुछ हाँ ख्वाब हो गया, मैं ब्लैक आउटफिट में था तो ओजमास का डिज़ाइन किया हुआ, जैसे मैं स्टेज पर गया तो उन्होंने मुझे ऐसे किया, मैंने कहा होगी बेइज्जती अब तो काम ख़राब है। देन नीचे आया तो उन्होंने क्या किया, रेड कलर का मुझे एक वो दोशाला सा भेजा वहाँ पे, कहते रेड कलर पे ब्लैक पहन के स्टेज पे नहीं आते हैं। देन आई वेंट ओवर देयर, तो उन्होंने वो बड़ी सी शील्ड जो थी सरस्वती की वो हाथ में पकड़ाई, एंड नृत्यश्री दीपक दत्ता फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर गॉट एंटाइटल्ड एज विनर ऑफ वर्ल्ड डांस चैम्पियनशिप 2016। सृष्टि वर्ल्ड डांस फेस्टिवल था जिसमें ऑल ओवर इंडिया से क्या वर्ल्ड से भी जो परफॉर्मर्स थे उन्होंने अपने टैलेंट को एग्जिबिट किया, शोकेस किया, एंड मैं तो कुछ भी नहीं था उनके आगे, एंड आई डोंट नो ये मिराकल कैसे हुआ। तो दीपक जी, अब किस तरीके की जो फ्यूचर प्लानिंग है अब डांस को लेकर, बिकॉज वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड डांस चैम्पियनशिप कोई छोटी चीज़ नहीं होती, वो भी एक विनर, तो क्या आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या रहेंगी आगे 2016 के बाद 2020 तक, वो एक्सपीरियंस और आगे आप क्या किस तरीके से फ्यूचर जो है वो प्लान करने का सोच रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैम वही सुबह है वही शाम है लेकिन जीने का तरीका बदल गया। आई एम ब्लेस्ड कि दैट आई एम वर्किंग इन आर्मी पब्लिक स्कूल मिरान साहेब एज अ डांस एक्सपर्ट, और स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, कलीग्स हमारी, प्रिंसिपल, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट, नाउ आई एम मैरिड, माय वाइफ इज़ हेयर एंड वो भी मुझे बहुत अच्छा, उनको डांस सिखाया एक्चुअली सिंस अभी महीना भी नहीं हुआ हमारी शादी को, तो लाइक अभी एक दूसरे को समझेंगे, बट या शी इज़ हैप्पी दैट आई एम अ परफॉर्मर एंड शी नोज ईच एंड एवरी, ही इज़ अ विनर एंड शी वांट्स कि हाँ मैं सीखना चाहती हूँ। तो आपने थोड़े थोड़े स्टेप तो सिखाए होंगे ना? अभी उन्हीं को ही देखने की समझ, उन्हीं से सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा, वो भी डांस करती हैं? नो लाइफ को जीने की कोशिश, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब उनके साथ कैसे जीना है। तो ये थे हमारे साथ जुड़े हुए दीपक दत्ता जी, या मैं यूँ कहूँ नृत्यश्री दीपक दत्ता जी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइटल है, बट ये टाइटल जीतने के लिए जितनी मेहनत इन्होंने की है और जहाँ तक ये पहुँचे हैं, जो मुकाम इन्होंने हासिल किया है, वो मुकाम आज ये चीज़ दर्शा रहा है कि आज किस तरीके से ये अपनी लाइफ जी रहे हैं। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि इस तरीके के कलाकार जब सामने आते हैं तो बहुत सारे, जिस तरीके से इन्होंने भी कहा कि क्रिटिसिज्म काफ़ी ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, तो ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पर क्रिटिसिज्म नहीं होता है। स्टडीज़ की बात करें, अगर सिंगिंग की ही हम गायकी की बात करें, हर जगह क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन बात क्या है, बात यह है कि जो हुनर है उस हुनर पे सिर्फ भरोसा करना है। और सबसे बड़ी बात, जब आपको माँ बाप का सपोर्ट हो वो तो एक सोने पे सुहागा हो जाता। तो हमारे साथ दीपक दत्ता जी जुड़े थे जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर किए हमारे साथ।